करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 6 अगस्त 2020 और 6 अगस्त 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ आप वहां डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टेलीग्राम ग्रुप से आप सारी पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा इसकी स्थापना नीदरलैंड के जो सहयोग से होगी और उत्तरकाशी जिले में की जाएगी। जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है इसकी स्थापना नीदरलैंड के सहयोग से होगी और उत्तरकाशी में के जिले में होगी। और 5.50 करोड़ रुपए यानी 5.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। यानी जो 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र या देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। और उत्तराखंड में हिम तेंदुए 3000 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई में नंदा देवी जैविक विविधता क्षेत्र गंगोत्री नेशनल पार्क आज में पाए जाते हैं। इसीलिए उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की फैसला लिया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है उत्तराखंड की, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। कौन है? बेबी रानी मौर्य। मैं आपको ये बता दूं, जब भी किसी स्टेट का नाम है उसके आप कैपिटल चीफ मिनिस्टर गवर्नर से एकदम कंपलसरी कर लीजिए, एकदम कंफर्म आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कैपिटल नहीं याद होगी, चीफ मिनिस्टर नहीं याद होगी, गवर्नर नहीं याद होंगे तो आपके आगे बहुत परेशानी है। इसलिए आप सभी को देखो, मैं एक दो दिन में आपको एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं सभी 29 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश के सभी कैपिटल्स चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स की पूरी लिस्ट तैयार कर दूंगा और साथ में पीडीएफ भी दे दूंगा। आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं और साथ ही मैं एक वीडियो बना दूंगा, उससे आप पूरे कैपिटल चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स पूरे याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किसे HDFC बैंक के आदित्यपुरी के उत्तराधिकारी के रूप में मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने जो HDFC बैंक है के आदित्यपुरी के उत्तराधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन को, किसको? शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के आदित्यपुरी के उत्तराधिकारी के रूप में मंजूरी दी है। और जो रिजर्व बैंक है इसने अगस्त 2020 में ये मंजूरी दी है। कब? अगस्त 2020 में। और ये जो अब जो शशिधर जगदीशन है ये HDFC बैंक के नए प्रबंध निदेशक भी होंगे, यानी जो उत्तराधिकारी के रूप में मंजूरी दी गई है ये शशिधर जगदीशन को, अब ये बैंक के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत होंगे। और जो आदित्यपुरी थे जिसके पहले थे वो 20 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और उनके बाद शशिधर जगदीशन को इनके रूप में नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2020 में मोहम्मद इरफान अली किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में अगस्त 2020 में जो मोहम्मद इरफान है ये गुयाना के, किसके? जो गुयाना एक शहर देश है उसके मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। और ये अगस्त 2020 में नियुक्त किए गए और राष्ट्रपति के रूप में ये डेविड ए ग्रेजर का स्थान लेंगे, यानी जो प्रेजेंट टाइम पर डेविड ए ग्रेजर हैं इनके स्थानांतरित के बाद ये गुयाना में मोहम्मद इरफान अली देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। अब बात आई है गुयाना की, तो गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। कौन सी है? जॉर्ज टाउन है। उसकी जो करेंसी वो है डॉलर है। कौन सी है? डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया है, इस चैंपियनशिप को किस देश में आयोजित होना है? तो अभी हाल ही में जो भारत ने महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटाने का फैसला लिया है और इसे मलेशिया में आयोजन करने का फैसला लिया है। कहां पर? मलेशिया में 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में ये आयोजित होने का निर्णय लिया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित की गई है सियासत में सदस्यता और इसके जो लेखक हैं वो है विजय कुमार। कौन है? विजय कुमार। और ये जो पुस्तक है इसका विमोचन नीतीश कुमार ने किया है। किसने?
नीतीश कुमार ने किया है, और यह बिहार में प्रकाशित की गई है। और यह जो पुस्तक है यह विजय कुमार चौधरी के लेख और उनके विचारों और उनके जीवन यात्रा का सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? जो उनकी जीवन यात्रा है, उनके जो विचार है विजय कुमार, इनके सिद्धांतों पर ये आधारित है। अब बात आई है बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना, बिहार की कैपिटल पटना। इसके जो राज्यपाल हैं फागू चौहान है। कौन है? फागू चौहान है। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने टिकटॉक को किस स्थिति तक अपना कारोबार किसी का अमेरिकी कंपनी को ना बेचने पर बैन लगा दिया है? तो अभी हाल ही में जो अमेरिका है इसने टिकटॉक को 15 सितंबर तक, कब? 15 सितंबर तक टिकटॉक को अपना कारोबार किसी अमेरिकी कंपनी को ना बेचने का आदेश दिया है, और ऐसा ना करने पर अमेरिका टिकटॉक को बैन भी लगा सकता है। इसलिए ये अभी अमेरिका ने टिकटॉक को 15 सितंबर तक अपना कारोबार किसी कंपनी को ना बेचने पर बैन लगाने की धमकी दी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है, यह अमेरिका में टिकटॉक के कारोबार का अधिग्रहण कर सकती है फ्यूचर में, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट है यह टिकटॉक का अधिग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बैंकिंग और पोस्टल कर्मचारी बुजुर्गों के घर तक नकदी पहुंचाने का काम किया जाएगा? तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा है, जो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उन्होंने बैंकिंग और पोस्टल कर्मचारी बुजुर्गों को घर तक नकदी पहुंचाने की घोषणा की है। और यह सरकार ने यह फैसला कोविड-19 की स्थिति के कारण लिया है, यानी जो मौजूद समय में जो घर में जो बुजुर्ग हैं वो बाहर आ जा नहीं सकते हैं, इनके ध्यान में रखते हुए बैंकिंग और पोस्टल कर्मचारियों को बुजुर्ग को नकदी पहुंचाने का काम किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में जो दिनेश कुमार बन्ना है, कौन है? दिनेश कुमार बन्ना है। इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, और ये उनकी नियुक्ति, जब जो दिनेश कुमार बन्ना है इनकी नियुक्ति 1 अगस्त से होगी और 31 अक्टूबर 2022 तक ये इसी पदभार पर, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में पदभार पर ग्रहण रहेंगे, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला का विरोध किया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, किसने? तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला का विरोध किया है। जो नई शिक्षा तकनीकी है, नीति है, इसमें त्रिभाषा फार्मूला लागू होने के बाद जो विशेषकर दक्षिणी राज्य हैं उनका विरोध का जो स्वर है वो ऊंचा उठ रहा है, और इसी में तमिलनाडु ने इसका विरोध किया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है तमिलनाडु की, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर ई के पलनी स्वामी है। कौन है? ई के पलनी स्वामी। और प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नर है उनका नाम है बी पुरोहित है। कौन है? बी पुरोहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर बेनेडिक्ट ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो जर्मनी है, इसमें जर्मनी में जो विश्व कप विजेता फुटबॉलर बेनेडिक्ट है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2014 में विश्व कप विजेता जो जर्मनी टीम का हिस्सा रह चुके थे, और ये विश्व कप में सभी 7ों मैच में खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ये जो वेंडिक्ट वेंडिक्ट फुटबॉलर है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 में बीएसएनएल ने भारत एयरफोर्स सर्विसेज की शुरुआत किस राज्य में की है? तो अभी हाल ही में जो भारत है उसने बीएसएनएल ने भारत की एयर फाइबर सर्विस की शुरुआत महाराष्ट्र में की। कहाँ पर? महाराष्ट्र में की, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो सेवा होगी इसके माध्यम से महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिले में वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी, और यह सेवा जो होगी ये 499 रुपीज, यानी 449 रुपये की शुरुआती कीमत में आएगा, और यह 5 किलोमीटर रेंज में 100 Mbps की गति तक हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ये जो बीएसएनएल एयर फाइबर सर्विस है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बीएसएनएल है इसने इस साल जनवरी माह में तेलंगाना के करीम नगर जिले में यह सेवा शुरू की थी, यानी जो करीम नगर है तेलंगाना में उसमें जनवरी माह में यह सेवा शुरू की थी, और अब प्रेजेंट टाइम पर महाराष्ट्र में एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अगस्त 2020 में किस राज्य में रक्षाबंधन नामक साइबर क्राइम जागरूकता प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश है, कौन है? आंध्र प्रदेश में जो रक्षाबंधन नामक साइबर क्राइम जागरूकता प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया, यानी और जो राजधानी है अमरावती, इसमें जो लॉन्च किया गया है यह कार्यक्रम, इसके जरिए जो सीआईडी और पुलिस लोगों को वर्चुअल माध्यम के जरिए साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करेगी और ये साइबर क्राइम से युवाओं, बच्चों और महिलाओं को बचने के उपाय भी दिलाएगी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने रक्षाबंधन नामक एक साइबर क्राइम जागरूकता प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, कौन सी है? अमरावती। उसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर जगमोहन रेड्डी है, ये YS जगमोहन रेड्डी है, और प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर है उनका नाम है बीबी हरिचंदन है, कौन है? बीबी हरिचंदन है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व मित्रता दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 30 जुलाई को विश्व मित्रता दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में 30 जुलाई को विश्व मित्रता दिवस मनाया गया था। आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शंस हैं 25 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इन चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम, फेसबुक पे जो इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन टेट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से ऑनलाइन टेट सीरीज में जुड़ सकते हैं। थैंक यू।